क्या कहूं कि वो परियों का रूप होती है या कड़कती ठंड में सुहानी धूप होती है, कि वो होती है उदासी में हर मर्ज की दुआ की तरह या उमस में शीतल हवा की तरह। वो चिड़ियों की चहचहाट है कि एक प्यारी खिलखिलाहट है, वो आंगन में फैला उजाला है या मेरे गुस्से में लगा ताला है। वो पहाड़ में सूरज की छोटी किरण है, वो जिंदगी सही जीने का आचरण है। वो ताकत जो छोटे से महल को घर कर दे, वो काफियां जो किसी गजल को मुकम्मल कर दे, वो अक्षर जो ना हो तो वर्णमाला अधूरी है, वो जो सबसे ज्यादा जरूरी है। ये ना कहूंगा कि वो हर वक्त सांस सांस होती है, क्योंकि बेटियां तो सिर्फ एक एहसास होती है। वो मुझसे ऑस्ट्रेलिया में छुट्टियां, मर्सिडीज की ड्राइव, फाइव स्टार में खाने या नए नए आईफोन्स नहीं मांगती, ना कि वो पैसे अपने पिग्गी बैंक में जमा करना चाहती है। वो तो बस कुछ देर मेरे साथ खेलना चाहती है। और जब हम उसके साथ वक्त नहीं गुजार पाते इस दुनियादारी में, इस दुकानदारी में, भले ही मजबूरी में हम उसे जवाब देते हैं, और वो झूठा ही सही जैसे एहसास कराती है कि सब समझ गई हो, लेकिन आंखें बंद करके रोती है। सपने में खेलते हुए मेरे साथ सोती है, जिंदगी न जाने क्यों इतनी उलझ जाती है, और हम समझते हैं कि बेटियां सब समझ जाती है। ओरी चिरैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जा रे, ओरी चिरैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जा रे। किरणों के तिनके अंबर से चुन